तो रेडी कर, तो मैं बना लेती हूँ रीस। हाँ हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और अभी रात के हुए हैं सीधे 9:30। आज 9:30 हुए कि तो मैं नींद में से उठ के आज सोच ही रही हूँ कि मैं रील शूट करूँ कि नहीं करूँ। तो इसके लिए काजल को बोले थे, काजल हो तो नहीं रहा है, देखूँ क्या करूँ। कितने दिनों से मैं बार बार ऐसे इवनिंग में बोलती हूँ आज मैं रील शूट करूँगी, सुबह में भी उठ के बोलूँगी आज रील्स बनाऊँगी, तो मैं काम उतार के फिर इवनिंग में उठ के तैयार होकर अपने रील्स शूट करूँ, बट जैसे ही टाइम आता है होता ही नहीं मुझसे, क्यों तो हेल्थ का भी इतना दिन इशू था। तो आज देख रही हूँ, अभी मैं सोच ही रही हूँ कि काजल को बोल रही हूँ, देखूँ हुआ तो मुझे रेडी कर, थोड़ी देर पहले खाना बना लूँ, अगर हो सकता है तो रेडी कर, तो मैं बना लेती हूँ रील्स, अगर नहीं हुआ तो जाने देते हैं, फिर कभी बनाऊंगी। बट मैं बहुत कैंसिल कर रही हूँ ये बार, जैसे मैंने रक्षाबंधन की पहले वाला बनाया था, जैसे आपके साथ शेयर किया था मैंने रील्स का बिहाइंड द सीन भी मैंने शेयर किया था आपके साथ, उसके बाद मैंने रील्स ही शूट नहीं किए। कितने दिन हो गए मैंने बना ही नहीं रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है, हेल्थ का इश्यू इतना हो गया और क्लाइमेट भी ऐसा, आज भी सुबह से इतनी बारिश है, क्या कहना, पूरा दिन बारिश है। मुझे तो लगता है आज मैंने इवनिंग ही नहीं देखी है, यहाँ पे आफ्टरनून से जैसे अंधेरा हो गया है, घर में धूप ही नहीं है, घर में इतनी बारिश, अंधेरा अंधेरा ऐसे लगा पड़ा है घर पे कि मुझे, मैं तो सोई पड़, मुझे लग रहा था आज अच्छी नींद आएगी, इतना अंधेरा हो गया है। बट सुबह में जैसे मैंने 12 बजे उठी हूँ, आपको बताया अभी मेरा टाइम टेबल थोड़ा रूटीन बहुत चेंज हो गया है, लेट कमर हो गई हूँ बहुत सोने के लिए, रात को 3-3:30 बजा देती हूँ और उठने में बड़ा 11:30 बजे से काजल और ये उठा रहे, उठो उठो, मैं उठ रही हूँ 5 मिनट, दोनों को ऐसे करती हूँ, हाँ 5 मिनट में उठती हूँ, 5 मिनट में उठती हूँ, बट उठती नहीं हूँ, होता ही नहीं है। हाँ उठती हूँ, उठती क्या करना है, सुबह में काम काजल ने करा लिया है आंटी से थोड़ा बहुत, बाकी मुझे खाना बना के घर का थोड़ा साफ सफाई करके अपना लग जाना है खाने पे, और क्या करना है तो उसकी वजह से लेट उठ रही हूँ। तो अभी थोड़ा मैंने रूटीन भी चेंज करना है थोड़े दिनों में, जैसे मैं सोच रही हूँ अभी अपना रूटीन सब चेंज रखूँ और अपनी ये ब्लॉगिंग भी मैं सुबह में स्टार्ट करूँ या आफ्टरनून को स्टार्ट करूँ जैसे मैं पहले करती थी, तो थोड़ा दिन लगेंगे मुझे अभी अपना रूटीन चेंज करने में, तो जैसे रूटीन चेंज हो जाए तो अच्छा है मेरे लिए ही, खुद के लिए ही अच्छा है। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि तो मैंने तो अटेंसेस वगैरह लगा लिए हैं सब, अगर मैं हुआ तो मैं अभी खाना ही अभी बना लेती हूँ, जब तक काजल भी मुझे थोड़ा कल का वीडियो पोस्ट करने का रख दिया है काजल ने, वो पोस्ट हो रहा है, जब तक मैं खाना बनाती हूँ, फिर हुआ तो मैं रेडी होती हूँ फटाफट से, थोड़ा रात का देरी हो जाएगी बट मैं रील्स शूट कर लेती हूँ। तो इसलिए आज मैंने ना को ड्रेस पहनी, ओनली नाइट सूट पहना है और लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, आज सिंपल ही बैठी हूँ विदाउट लिपस्टिक, वैसे ओनली लिपस्टिक तो लगी हुई होती है, आज वो भी कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसल लिपस्टिक आज कैंसल, करना है तो पूरा पूरा मेकअप करना है जाने, नहीं तो आज लिपस्टिक भी कैंसिल। तो अभी मैं लगती हूँ जल्दी खाने पे, टाइम वेस्ट ना करके, किचन तो मेरा क्लीन है, तो जब तक एडिटिंग कर रही थी तब तक मैंने अपना किचन का करती गई उठ के, आज ये तो आए नहीं नाश्ता खाने, मैंने ही थोड़ा ठूस ठूस के खाए हैं बिस्किट वगैरह सब, जो मेरे फेवरेट है बिस्कुट आपके साथ शेयर करती हूँ, वो जिम जैम वाले वो खाए हैं और बहुत कुछ खाया है, ड्राई फ्रूट खाया है, किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है, सब अटेंसेस वगैरह लगा लिए हैं मैंने, बस ओनली जो भरे अटेंसेस है काजल के लिए रख देती हूँ, खुद ही लगाएगी काजल, तो ये काजल ही लगाएगी, मैं यहाँ पे साइड करके रख देती हूँ। तो जल्दी से मैं आफ्टरनून में मैंने पालक बनाई थी, उसके साथ रोटी बनाई थी, तो अब वो थोड़ी पड़ी है पालक, दो जने की हो जाएगी, तो वो पालक की सब्जी इन दोनों को अच्छी लगती है, जैसे सिंधी में मैंने आपको बताया साई भाजी भुगत चावल, यानी कि ओनियन वाले राइस जैसे मैं बनाती हूँ तो इनको पसंद आते हैं, तो आज मैंने आफ्टरनून में उसके साथ मैंने रोटी बनाई है, तो अब मैं राइस बनाऊंगी, राइस के साथ थोड़े आलू फ्राई कर देती हूँ, क्यों तो फिर वो सब्जी पूरी नहीं होगी, तो थोड़े आलू भी साथ में हो तो तीनों का खाना हो जाएगा। तो जब तक खाना बना लूंगी तो बेस्ट है, फिर काजल को थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे तैयार करके, वो खाली खाना खाएंगे, तो फिर मेरे से जितने हुए मैं थोड़े बहुत ही शूट करके छोड़ दूंगी, फिर रेस्ट करूंगी, क्योंकि तो टाइम बहुत हो गया है आज, तो अभी टाइम वेस्ट न करके लगती हूँ सीधा खाना बनाने में।
भी फ्राई हो रहे हैं और राइस भी बन रहा है। राइस तो 2 मिनट में बन जाएंगे, कप के डाल दिए। बस पालक है जो वो फ्रिज में रखी है, गरम करनी है काजल को खाने के टाइम पे। पालक भी दो दो जनों की आराम से हो जाएगी। अगर थोड़ी थोड़ी ये लोगों ने खाई आलू के साथ, तो तीनों पालक आलू और राइस तीनों मिक्स खा सकते हैं। तो काजल ने बोला थोड़ी थोड़ी खाएंगे, थोड़ा साथ में आलू खाएंगे। पालक पड़ी है तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छी लगती है सब्जी भी। तो टाइम तो 10 बजे हैं, तो मैं हबी का भी वेट कर रही हूँ। अभी 10 बजे हैं, हबी भी आ जाएंगे और काजल वीडियो पोस्ट कर ले। तो खाना खा के सीधा ही फिर मैं हुआ तो रेडी हो रही हूँ, एटलीस्ट खाना खा लेती हूँ, क्योंकि तो आज मैं लेट रेडी हो रही हूँ। तो इससे अच्छा तो मैं खाना खा के बाद में ही रेडी हो जाऊँ, क्यों तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत। तो अभी हबी आए तो साथ में तीनों खाना खा लेते, उसके बाद होती हूँ रेडी। पूरा दिन मेरा ऐसा जा रहा है, कितना टाइम हुआ है मैं बोल रही हूँ रील्स शूट करूँ, टाइम नहीं हो रहा है, तो वो हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। क्यों तो ये ब्लॉग्स भी डेली निकालूं और फिर घर का काम भी, फिर अगर काजल के ऊपर पूरा पड़ जाएगा, वो एडिटिंग भी करे और दूसरा काम भी वो कराती रहती है, सब्जी काट के देना हुआ या सब सामान रेडी वो ही करके देती है, अटेंसेस निकाल के देती है, तो फिर उसके ऊपर भी पूरा पड़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने अभी सोचा खाना बना ही लेती हूँ, नहीं क्यों तो फिर ये अभी एडिटिंग करके उठी, फिर उसको खाने में लगना पड़ता था, फिर मुझे रेडी करती थी क्या करके क्या करे वो भी। तो अभी रेडी भी होना है तो उसमें भी इतना टाइम लग जाएगा, तो रेडी होने में कितना टाइम लगता है, उसकी वजह से ही मुझे सुस्ती होती है ना बाबा, इतनी देर कौन बैठे रेडी होने के लिए, फिर मैं कैंसिल कर देती हूँ हर बार। फिर आज थोड़े से ही जितने हुए निकाल देती हूँ, नहीं हो रहा है टाइम एडजस्ट मेरे से। क्यों तो ये इतना व्लॉग्स वगैरह, घर का काम, पूरा दिन काम चल रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन हमारा ऐसे ही जा रहा है, काजल का और मेरा पूरा दिन बिजी है दोनों। तो ये पालक गर्म हो रही है, और यहाँ पे राइस भी रेडी है। और आलू अब तक फ्राई हो रहे हैं, 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे वो भी। रात के 11:15 बजे हैं और खाना भी खा लिया हबी ने, मैंने, काजल ने, सबने। किचन वगैरह क्लीन करके आई, पूरा घर का काम किया है मैंने, अब जाके रेडी होने बैठी हूँ। तो अभी देखते हैं कितनी देर में रीस, मुझे तो लगता है रात को 3 बज जाएंगे आज मेरे, 3 3:30 तक पक्का मैं एंजॉय करने वाली हूँ। वैसे अभी जागती रहती हूँ, आज रीस निकाल लेती हूँ टाइम नहीं मिलता है तो। तो अब मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ टाइम न वेस्ट करते हुए, और मैंने चेंज कर लिया है, आज टॉप पहना है और स्कर्ट, काजल का टॉप पहना है और स्कर्ट लॉन्ग। तो मैं जल्दी से मेकअप करती हूँ, फटाफट से रेडी होकर रील्स शूट कर रही हूँ। अभी मेकअप चालू कर रही है काजल, तो अब मेरे नींद आने का टाइम शुरू हुआ है। जब भी मेकअप करती है तब नींद आना मुझे शुरू हो जाती है, आराम से बैठी रहती हूँ ये मेकअप करती है और मुझे नींद आती है। और आज तो मैंने आफ्टरनून में नींद की भी नहीं, तो अभी सो जाऊंगी, मेकअप हो जाए मुझे उठाना, फिर रील्स शूट करूंगी नींद में। तो आज देखती हूँ ये ड्रेस में लुक कैसा आ रहा है मेरा, जितने निकाल पाई निकाल दूंगी, बट देखूँ कि कैसे लुक आ रहा है। अच्छा तो लगेगा, क्योंकि तो उस दिन भी मुझे ऐसा लग रहा था, वो ग्रीन टॉप काजल का दूसरा पहना था, उस पर स्कर्ट पहना था यही, बहुत बढ़िया पिक्स भी आए थे मस्त, और रील्स भी मस्त आ गए थे उसमें, बहुत ही अच्छे निकले थे। तो इस बार देखती हूँ कैसे शूट हो रहे रील्स, और मेरे हेयर कलर भी शायद उतर रहा है कलर भी, तो बार बार कितना लगाऊं ऐसा लगता है हेयर लॉस हो जाएंगे ज़्यादा लगा के, जितना है अभी जल्दी जल्दी उतर जा रहा है।
करना है, हमारा टास्क तो ज्यादा कर दिया, बहुत है, जिस दिन हमारी हेल्पर छुट्टी पे जाए तब हमारे टास्क शुरू हो जाते हैं। अरे क्या करना है, अरे बच्चा करना है, अरे बच्चा करना है, साथ में खाना भी बनाना है, पति देव जी मैंने कही बाजार से लेके आओ ना खाना। लास्ट टाइम आपके साथ मैंने शेयर किया था, मैंने गिल्टर आई शेडो लिया है, तो लास्ट टाइम मैंने तो व्लॉग ही नहीं शूट किया था जब ही लगाया था, तो आज लगा रही है काजल। हो गया है मेरे आईज का मेकअप, ये अभी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ना मेकअप, तब ग्लोस का पता चलता है, रेडी हो जाऊँ तभी पता चलता है, तभी एकदम ओके लगता है फिर। तो अभी 12 बज रहे हैं और अभी तक मेरे आईज़ का ही मेकअप हुआ है, अभी फेस का बाकी है, जल्दी से मेकअप हो जाए तो जल्दी से मैं अपनी नौटंकी शुरू कर दूँ। अभी रात के 12:30 बजे हैं और मेकअप अभी तक मेरा चालू है, और मैंने जब तक नेट मेकअप हो रहा है जब तक नेट पेंट भी लगा ली दोनों हाथों को। तो ये लाइट कलर है, ये बार मैंने लाइट कलर ट्राई किया है, हमेशा डार्क कलर ही मैं लगाती हूँ, तो ये बार काजल को बोला लाइट कलर लगा, क्योंकि तो ग्रीन इस पे मैच है नहीं, तो ये थोड़ा लाइट कलर अच्छा लगता था, तो कलर तो बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है। ये बार ये भी मैंने शेयर किया था आपके साथ, नेट पेंट लेके आई थी लाइट कलर, तो अच्छा लग रहा है। तो बस थोड़ा फेस का मेकअप है और हेयर्स बना के अच्छे से हेयर्स सेट हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी ज्वेलरी पहनूंगी, फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर उसके बाद रील्स निकालूंगी, रील्स शूट करूंगी, उसके पिक निकालूंगी, पहले पिक निकाल के फिर रील्स शूट करूंगी, फिर ये जो मेकअप इतनी देर बैठ के किया है नेल पेंट छोड़ के, ये मेकअप उतार देना पड़ेगा। लगभग मेकअप हो गया है, बिल्कुल भी लगभग नहीं, टोटली हो गया है, बस ओनली ज्वेलरी पहननी है और फिर पहले फोटो शूट करूंगी, उसके बाद फिर रील शूट करूंगी। 1:30 बजा है ये टाइम पे, अभी मैं रील शूट करूंगी, लोग ये टाइम पे सोते हैं और मैं रील शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने ये लाइट लिपस्टिक लगाई है, ये तो घर में ये दोनों लगाने नहीं दे रहे हैं ब्लॉग में, नहीं बहुत लाइट है, नहीं सूट कर रही, बट मेकअप के साथ ये सूट कर रही है, देखते हैं अभी कैसे निकलते हैं रील्स।